वेतन न मिलने से नाराज मेडिकल कॉलेज में पदस्थ नर्स सहित सैकड़ों कर्मचारियों ने आज 2 घंटे के सांकेतिक हड़ताल करने का ऐलान किया है। यह काम बंद हड़ताल आज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। इस दौरान किसी भी तरह का मेडिकल कॉलेज में काम नहीं होगा। कहा जा सकता है कि 2 घंटे के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी, जिसके चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ेगा। दरअसल नेताजी सुभाष चंद मेडिकल कॉलेज की डीन और मेडिकल अधीक्षक के बीच चली आ रही तनातनी के चलते सैकड़ों नर्स और कर्मचारियों का सितंबर माह वेतन रुक गया है। वेतन न मिल पाने के कारण कर्मचारियों और मेडिकल कॉलेज में पदस्थ नर्सों के त्योहार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मेडिकल में मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों सहित नर्स और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विभाग में अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 500 नर्स और करीब 400 कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन नहीं मिला है। वेतन पाने के लिए कर्मचारी और नर्सों ने प्रभारी डीन से भी मुलाकात की थी, पर नतीजा सिफर ही रहा। लिहाजा आज चेतावनी स्वरूप मेडिकल कॉलेज में पदस्थ सभी नर्स और कर्मचारियों ने 2 घंटे के सांकेतिक हड़ताल करने की चेतावनी दी है। इसके बाद भी अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और वेतन जारी नहीं किया तो आगामी 10 अक्टूबर से समस्त कर्मचारी और नर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में सितंबर माह का वेतन न मिलने के कारण नर्स और वहां पदस्थ कर्मचारियों ने आज 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल करने की चेतावनी दी है। हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप रहेगी, वहीं मरीजों को भी परेशान होना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में पदस्थ नर्स और कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते वह नाराज हैं। आज मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ विभागीय समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 2 घंटे का काम बंद हड़ताल की जा रही है, जिसमें कि हमारी सभी चिकित्सा सुविधाएं बंद रहेंगी। दूर दराज से आने वाले मरीजों को थोड़ी कठिनाइयां होंगी। यह हम सभी कर्मचारियों ने विवश होकर यह निर्णय लिया है कि स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण हमारे सितंबर माह का वेतन नहीं मिला है। अगर हमारी मांगे जल्दी पूरी नहीं हुई, आगामी 10 तारीख से काम बंद हड़ताल की जाएगी।